गाइस वेलकम टू माय चैनल काव्यास वर्ल्ड। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ एक नई वीडियो जिसमें मैं आपको बताऊंगी आईटी साउंड वर्ड्स के बारे में। आईटी साउंड वर्ड्स बहुत ही इजी होते हैं और आईटी जो वर्ड है वो खुद में ही एक वर्ड है, और अगर हमें उसकी जो साउंड है वो पता है तो हम हर वर्ड ईजीली पढ़ सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे पढ़ते हैं उन्हें और कौन कौन से वो वर्ड्स हैं। तो ये रे आई टी वर्ड्स। तो आई टी का सबसे पहले हम इसकी जो साउंड है वो देख लेते हैं। आई टी की जो साउंड होती है वो होती है इट। आई टी की साउंड होती है इट। इट, सो आई टी इट। इट मतलब इट एक वर्ड होता है। इट मतलब कि कोई भी चीज, जैसे कोई भी चीज रखी हुई है हम बोलेंगे इट। इट कि ये सो हम इस तरीके से पढ़ते हैं। सो इसी तरीके से ये वर्ड्स हैं, कुछ वर्ड्स हैं और कुछ ये वर्ड्स हैं, कुछ ये वर्ड्स हैं। सो मैं आपके साथ ये सारे वर्ड्स को पढ़ना सिखाऊंगी कि इनको कैसे पढ़ते हैं, और फिर इतनी सारी प्रैक्टिस के बाद हम पढ़ना तो आराम से सीख जाएंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला वर्ड है बीट। बीट, बिट। बिट मतलब थोड़ा सा, थोड़ा सा, थोड़ा सा। थोड़ा सा मतलब कि जैसे हमने थोड़ा सा खाना खाया, सो हम क्या बोलेंगे, आई एट अ बिट ऑफ फूड। आई एट अ बिट ऑफ फूड मतलब मैंने थोड़ा सा खाना खाया। बिट मतलब थोड़ा सा। नेक्स्ट है फिट। फिट, फिट। तो इसमें हम इसको और इसको दो साउंड्स पढ़ेंगे। फ इट फिट, फ इट फिट। इजी है बहुत, हमें जस्ट इसको आराम से पढ़ना है। फ इट फिट। तो इसको हम कैसे पढ़ेंगे, फ इट फिट। तो इसका मतलब होता है कि अपने आप को, मतलब बिल्कुल अपना जो हमारा जो मतलब इम्यून सिस्टम है उसको अच्छा रखना, मतलब फिट रखना। नेक्स्ट है सिट। स इट सिट, स इट सिट। सिट मतलब बैठना। सिट मतलब बैठना। हिट, ह इट हिट, ह इट हिट। हिट मतलब किसी को भी मारना, किसी को मारना। नेक्स्ट है निट। न इट निट, न इट निट। निट मतलब रात। निट मतलब रात, जो रात होती है ना, रात, वो ही वाली रात। निट मतलब रात। तो अब हम देखते हैं कुछ और छोटे छोटे वर्ड्स इसी तरीके से। तो आई टी में छोटे छोटे वर्ड्स ही हमको मिलते हैं, 3 या 4 वर्ड्स से ज़्यादा नहीं मिलते हैं। सो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहला वर्ड है किट। का इट किट। किट मतलब कि जिसमें हम अपनी पेंसिल वगैरह रखते हैं उसे हम बोलते हैं किट। उसे हम पेंसिल बॉक्स भी बोलते हैं, पर जो बॉक्स होता है ना वो वाला होता है किट। लेकिन जो कपड़े का बना हुआ होता है ना उसको हम बोलते हैं किट। नेक्स्ट है फिट। फिट मतलब अभी मैंने आपको बताया जो अपने आप को बिल्कुल अच्छे से मेंटेन रखते हैं, अपने आप को बिल्कुल अच्छे से रखता है, वो होता है फिट। नेक्स्ट है बिट। बिट मतलब कि थोड़ा सा। हिट मतलब मैंने उसे मारा। ह इट हिट। इट, इट हमें पता है आई टी अगर एक साथ लिखा हो तो मतलब इट हो गया। नेक्स्ट है लिट। ल इट लिट। लिट मतलब कि किसी भी चीज को जलाना, जैसे हम दिए जलाते हैं। तो मैं आपको एक लिख के बता देती हूँ कि उसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं। तो वो होगा आई लिट द दिया। आई लिट द दिया, या फिर द
कैंडल, दिया या कैंडल ही हम जलाते हैं। टॉर्च, इसमें टॉर्च नहीं होगा, आई लिट द टॉर्च। टॉर्च को हम जलाते नहीं हैं, वो लाइक एक इलेक्ट्रॉनिक होता है, तो वो लिट में नहीं आएगा। नेक्स्ट है सिट, इट सिट, सिट मतलब बैठना। किट, किट, किट मतलब अभी हमने देखा, किट मतलब कि हमारा जो पेंसिल बॉक्स होता है। पिट, प इट, पिट, पिट मतलब कि गड्ढा, जो हमारा गड्ढा होता है। नेक्स्ट है फिट, फिट मतलब अपने आप को तंदुरुस्त रखना। इट हमें पता है, लिट हमें पता है, स इट, सिट हमें पता है। नेक्स्ट है स्लिट, स्लिट, स्ल इट, स्लिट, स्लिट मतलब कि जो भट्टा होता है ना, भट्टा, उसे हम बोलते हैं स्लिट, स्लिट। नेक्स्ट है स्पिट, स्प इट, स्पिट, स्पिट मतलब कि थूकना, या जैसे हम च्युइंगम चबाते हैं, च्युइंगम खाते हैं, तो उसको जब हम थूकते हैं सो उसको हम कहेंगे स्पिट, उसको हम कहेंगे स्पिट। या फिर मतलब हम ऐसे कुछ भी, लाइक हम अपना जो कुल्ला करते हैं मुंह में, गरारे करते हैं, उसमें भी हम पानी को ऐसे थूकते हैं ना, तो उसको भी हम स्पिट ही कहेंगे, बेसिकली स्पिट करना। नेक्स्ट है हिट, हिट मतलब मारना। बिट, बिट मतलब थोड़ा सा। इट मतलब ये। फिट मतलब अपने आप को तंदुरुस्त रखना। किट मतलब जो कपड़े वाली हमारी पेंसिल बॉक्स होती है, वो होती है किट। नेक्स्ट है इट, इट मतलब ये। सिट, सिट मतलब कि बैठना। पिट मतलब कि जो गड्ढा होता है हमारा। स्पिट मतलब थूकना। हिट, ह इट, हिट, हिट मतलब कि मारना। नेक्स्ट है पिट, प इट, पिट, प इट, पिट, पिट मतलब कि जो गड्ढा होता है। नेक्स्ट है ह इट, हिट, हिट मतलब कि मारना। फ इट, फिट, फ इट, फिट मतलब कि जो हम मार, फिट, हम अपने आप को फिट रखते हैं, तंदुरुस्त रखते हैं। नेक्स्ट है किट, क इट, किट, किट मतलब कि जो कपड़े का हम पेंसिल बॉक्स बनाते हैं उसे हम बोलते हैं किट। नेक्स्ट है स्ल इट, स्लिट, स्लिट मतलब कि जो भट्टा होता है। सो ये वर्ड्स जो हमने देखे बहुत ही अच्छे थे और बहुत ही इम्पॉर्टेंट थे और बहुत ज़्यादा कंटिन्यू, मतलब बहुत ज़्यादा ये हमारे साथ अलट पलट के आ रहे थे, जिससे हमारी बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस हो गई है। तो हम, मैंने इसके साथ आपको मतलब भी बता दिए हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो सो इसको लाइक करना मत भूलना और इस वीडियो को शेयर कीजिए, मेरे इंस्टाग्राम हैंडल को फॉलो कीजिए और मेरे यूट्यूब चैनल को, जिसमें आप ये वीडियो देख रहे हैं, उसको सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।